it is something new for this industry because it only happens in Hollywood, right, where an A actor signs another A actor for his production. So it's something new which will start, and I hope it starts a trend in the industry. किस तरीके से कॉल आई? एक दिन मेरा फ़ोन बजा और उस फ़ोन पे आया कि आपको टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना जा रहा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं क्या, मतलब किस तरह से फ़ोन आया, क्या कैसे सवाल कर रहा है अलोक? टाटा का अपने देश के लिए इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा हाथ है, आप भी इस चीज से जुड़ गए हो, तो क्या कहोगे कि पूरे अपने भारत की इकोनॉमी में आपका भी एक थोड़ा सा योगदान रहेगा अभी जो कि? मेरा फिलहाल तो फिल्म इंडस्ट्री में है और जी बिल्कुल, टाटा तो सिंस लास्ट हाउ मेनी इयर्स इट्स बीन इन टाटा मोटर्स इज 60 इयर्स बट टाटा ग्रुप ओवर 100 इयर्स सो 50th इयर्स जब से हमें आजादी मिली है उससे पहले से है। So it has been a big company, and to be associated with the oldest company of India, it's a big thing for me. I think I somewhere feel ki I'm thankful to God that I have got such a big company that I'm associated with, which has been the oldest company of India, and matlab ek aisi company jiske naam se hi cheeze bikti hain, jo logon ko pasand hai aur log jante hain ki trustworthy hai. So I'm very glad that I'm associated with something. Okay. गाड़ी से related event है, तो मैं जानना चाहूँगा कि पहली गाड़ी जब आपने खरीदी थी, पहली गाड़ी जब आपने खरीदी थी वो experience बताइए, मतलब शुरुआत में तो दिक्कत आई होगी? जी पहली गाड़ी मैंने खरीदी थी वो 28,000 रुपए की थी और मैंने किस्तों में दिए थे पैसे, अभी भी याद है मुझे। तो एक्सपीरियंस मतलब यही है कि जब पहली बार मैं ड्राइव पे गया था तो पहले सीधे गाड़ी को लेके शिरडी गया था, सो दैट इज द ओनली थिंग आई रिमेम्बर। बहुत सारा नोन है, हर घर में जानते हैं टाटा ब्रांड को, तो आप जब जुड़े तो आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि क्योंकि आपको इसके नाम को और बढ़ाना है जो ऑलरेडी लोग जानते हैं? जी देखिए, मैं मुझे बढ़ाना यानी कि ऑलरेडी इट इज़ अ ह्यूज नेम, इट इज़ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल पीपल अबाउट दिस नेम मोर एंड मोर बिकॉज इट्स अ नेम क्रिएटेड विद जनरेशन, सो आई एम गोइंग टू टेल द न्यू जनरेशन अबाउट इट, इंट्रोड्यूस देम टू दिस थिंग। A word Tata means reliable. Actually for me Tata means reliable, you are, and everybody knows about it, so that's it. सर 2017 आपके लिए कैसा होने वाला है, हमने तस्वीरों के माध्यम से तो देखा है, तभी टाटा के बारे में बात करेंगे फिर तेरे में। अक्षय, इन द ऑडियो विजुअल दैट वाज प्लेड बाय टाटा मोटर्स इनिशियली, लाइक यू नो इंट्रोड्यूसिंग यू बीइंग पार्ट ऑफ द ब्रांड, इट सेड दैट यू आर समवन हु इज यू नो ब्रांड ऑफ ऑल सीजन, एक्टर ऑफ ऑल सीजंस, डू यू एग्री टू दैट कंसीडरिंग 3-4 मूवीज दैट कम आउट एवरी ईयर ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर? वेल इट्स अप टू यू, यू हैव टू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट इट, इट्स आई वोंट बी एबल टू से मायसेल्फ वेदर आई एम फॉर एवरी सीजन और नॉट, बट यस I can only say this much that I bring releases every season, that much I can tell you. अक्षय कल ये खबर आई कि आप सलमान खान और करण जौहर के प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, उस फिल्म के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे? नहीं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। I cannot say anything about it because my contract will get cancelled. सर योद्धा आप किसे मानते हैं इंडस्ट्री का, क्योंकि आपको तो हम मानते हैं। Why not, ma'am? But do you think the trend is changing now? One superstar is, you know, helping another superstar, not helping in terms like, you know, working with each other, be it as a producer or actor. Well, yes, it is. It is something new for this industry because it only happens in Hollywood, right, where an A actor signs another A actor for his production. So it's something new which will start, and I hope it starts a trend in the industry. Sir, आप किसे योद्धा मानते हैं अपनी तरफ से? हाँ जी। देश तो आपको योद्धा मानता है, आप किसे योद्धा मानते हैं? सभी योद्धा हैं, आप योद्धा हैं, पीछे जो कैमरामैन खड़ा है वो योद्धा है, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर देयर फैमिली फॉर देयर चिल्ड्रेन, सो सभी योद्धा हैं, इसमें ऐसा कोई योद्धा थोड़ी है, मतलब योद्धा ये नहीं होता कि जो आर्मी वाला है, जो खड़ा हुआ है, जो लड़ने के लिए तैयार है, सभी योद्धा हैं अपने हिसाब से, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में लड़ रहा है टू सर्वाइव, टू बी हैप्पी, to make their family happy, so that's it. Actually, you are a very disciplined person. In cell, huh?
सर आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन लिस्ट में और था कंपटीशन में अक्षय ने 88% बताया कि इट्स नॉट अ नाइस थिंग नहीं नहीं आई लव सर सर ही वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट चॉइस या फर्स्ट एंड द लास्ट वी रिसर्च्ड मोर देन 50 पीपल 50 आदमी का नाम तो हम नहीं बताएंगे यहाँ पे बट एज आई सेड वी वर नॉट इवन श्योर वी नीड अ ब्रांड एम्बेसडर बट द फिट वॉज सो स्ट्रॉन्ग एज मेनी ऑफ यू आर एक्सेप्टिंग टुडे आई थिंक आप सवाल से भी जो लोग पूछ रहे कि ऐसा कोई रिलेशनशिप अपने आप इट जम्प्स आउट एट यू सो आई थिंक इट वॉज हेड एंड शोल्डर्स अबव एनी अदर रिलेशनशिप अक्षय हैव यू ड्रिवन टाटा कार एंड इफ यू हैव व्हिच वुड बी प्रोबब्ली योर फेवरेट वेल आई हैव ड्रिवन अ लॉट ऑफ टाटा ट्रक्स लॉट ऑफ Tata cars also, and so Tata's from childhood we have been doing. We have been driving. Childhood, मतलब जब मैं I was legal enough to drive, and since then, and so it's not a new thing for me. अच्छा अच्छा आप सभी अपने parents के साथ long time करे four movies in a year, so many associations. Are you a superhero? If you were, which one would you be? Am I a superhero? Yeah. I'm trying to be a hero. Forget about superheroes. There are a lot of other superheroes in the industry, but I'm trying to be a hero just now and trying to work. That's it. अक्षय पहली कार आपको किसने गिफ्ट की थी कोई ऐसी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करें बेटा यहाँ कोई गिफ्ट नहीं देता बिकॉज़ देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच तेरे को कौन तेरे को कुछ दिया क्या फोन भी दिया क्या किसी ने आज तो नया साल है जैसे रेजोल्यूशन की बात करें तो आपने कोई ये तो एक ढकोसला होता है कि एक नया साल आया तो एक रेजोल्यूशन करते हैं यार जो आदमी को करना है वो उसी दिन कर ले उसी दिन आपका नया साल शुरू हो जाता है आई थिंक इट इज़ ऑल बीन क्रिएटेड हाइप एंड ऑल ये मेरे नए साल का रेजोल्यूशन है कि अब से मैं खाना कम खाऊंगा अबे पहले कर लेता कम So it's all, it's nothing, it doesn't work like that. Last question. Akshay, aapke parents ke saath, aap kabhi Tata Motors ki kisi gaadi ke saath long drive pe, ya phir kabhi ki kisi long drive pe gaye? Mere parents ke saath main kabhi Tata, nahi main kabhi apne parents ke saath nahi gaya. Ya phir kisi long drive pe, jo sabse. Main akela gaya hoon. Twinkle ke saath gaye sir? Nahi main. नहीं ओके गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू